नूरपुर की अनीता ठाकुर अब दिल्ली में एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन करेगी। उखेड़ गांव से संबंध रखने वाली अनीता अब वर्ल्ड क्वालिफाई चैंपियनशिप में भाग लेगी, जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रही है। ये चैंपियनशिप 20 सितंबर से 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में देश के नहीं बल्कि बाहरी देशों के प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे, जिस लिहाज से इस बार एक कठिन प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि अनीता अभी हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट में दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में विजेता बनकर लौटी थी। इस कारण हर किसी को अब अनीता से ज्यादा उम्मीदें हैं। अनीता भी अपनी तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और लगातार पसीना बह रही है। अनीता के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके साथ अभ्यास के लिए कोई महिला खिलाड़ी नहीं मिल पाती है जो हिम्मत बटोर कर खेलने का साहस करती हो और टिकी रह सकती हो, इसलिए अब वह अकेली ही प्रैक्टिस कर रही हैं। गौरतलब है कि ये खेल जूडो, कुश्ती और बॉक्सिंग के खेल का मिश्रण होता है, जिसमें विपक्षी पहलवान को घुटने टेकने पर मजबूर करना पड़ता है और उसे खुद हार स्वीकारनी पड़ती है। बहुत ही खतरनाक माने जाने वाले इस खेल में खिलाड़ी अपनी जान का खुद जिम्मेदार होता है और हर समय इस खेल में गंभीर चोट लगने की आशंका रहती है। लेकिन अनीता के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अनीता जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर विदेशी प्रतिभागियों के आने से चुनौती कठिन होगी, लेकिन वे अवश्य जीत दर्ज करेंगी। बहुत अच्छी चल रही है और जो हमने पहले खेली थी दिल्ली में अबाउट एमएमए की, वो भी जीती थी, तो इस बार भी पूरा भरोसा है कि नहीं, इस बार भी जीत के आऊंगी। और प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है और ये कंपटीशन जो है वो सितंबर 21 से स्टार्ट है, 23 तक है, तो दिल्ली में ये भी, और इसमें अपने देश के साथ साथ विदेशी बच्चे भी पार्टिसिपेशन करेंगे, तो उम्मीद तो यही है कि जीत के रहना है। अभी जो पीछे कंपटीशन है उसमें खाली देश के ही प्रतिभागी थे जो उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इस बार भारी देशों के भी जो है पार्टिसिपेशन और मुकाबला करने के लिए, तो उस एंगल से किस प्रकार की तैयारी है, क्या लग रहा है कंपटीशन कैसे रहेगा? कंपटीशन तो टफ होगा पर तैयारी उसी हिसाब से, तैयारी अच्छी चल रही है, तो जिस हिसाब से तैयारी चल रही है तो उसी हिसाब से यही है कि नहीं, अच्छा ही परिणाम अच्छा ही निकलेगा, तो मेडल तो लेके आएंगे उम्मीद है। थैंक यू। अनीता के कोच अमित राणा, जो कि अनीता के साथ कई छात्र छात्राओं को फ्री प्रशिक्षण दे रहे हैं, का कहना है कि पिछली प्रतियोगिता की अपेक्षा इस बार अनीता का अभ्यास दोगुना किया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि अनीता इस प्रतियोगिता में प्रदेश में नाम रोशन करेगी। अभी ये वर्ल्ड क्वालिफायर चैंपियनशिप खेलने जा रही है, पहले ये बेंगलोर में थी पर बाढ़ के कारण उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया है। अभी वर्ल्ड क्वालिफायर जीतने के बाद ये बहरीन जाएगी खेलने और उम्मीद ये है कि हम वर्ल्ड क्वालिफायर जीतेंगे। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां हमारी जैसे पिछली बार थी उससे डबल तैयारी है। अच्छा। जो हमारी प्रैक्टिस है या हार्डली है वो हमने बढ़ा दिए गए। अच्छा। और स्टेमिना भी डबल उस हिसाब से रखा हुआ, और इसमें देश विदेश से हर कोई फाइटर आएगा, तो हमारी उम्मीद यही है कि हम हिमाचल का नाम रोशन कर सकें। ये कब हो रहा है, कितनी डेट को हो रहा है? ये 20 तारीख से लेके 21 22 तारीख को क्लोजिंग। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये? दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अच्छा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि जीत के आए। कंपटीशन तो टफ होगा। कंपटीशन तो बहुत, एमएमए तो बहुत टफ कंपटीशन है, आपको बताइए दुनिया की सबसे खतरनाक खेल है, पर आपको बताया हिमाचली है, डीएनए में फाइटिंग है, तो जीत के हम आएंगे आएंगे। इससे पहले ये टूर्नामेंट हुआ अभी पिछले हाल में दिल्ली में, वहाँ पे खाली अपने देश के ही लोग थे पार्टिसिपेट, लेकिन अभी जो है बाहर देशों से भी आ रहे हैं, तो इसका लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होगा मुकाबला। मैं अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से बोलूँ तो वर्ल्ड के अगर टॉप 10 एमएमए फाइटर हो तो उनके साथ ये कंपटीशन कर सकती है, इसमें इसी हिसाब का स्टेमिना है। यहाँ ये गर्ल्स बॉयज को नहीं मानती, वो तो उसके आगे कुछ नहीं।